Hello guys, and welcome to my channel. चलो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं नई PPR timeline से, और आज मैं दिखाऊंगा आपको 8 सितंबर की PPR timelines. जो लोग इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को एंड तक देखिए और सब्सक्राइब कीजिए. चलो पहली फाइल देखते हैं. इनोप अप्लाई किया था अक्टूबर 4th को. अगले दिन के इनके पास आ गई थी बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर. उसके बाद इनके पास कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर इनके पास आ गई थी दिसंबर 8th को, और ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट भी आ गई थी इनके पास दिसंबर 8th को ही. चलो नेक्स्ट फाइल देखते हैं. इनको PPR आई थी 9 दिसंबर को. SDS कैटेगरी में अप्लाई किया था. बायोमेट्रिक 13th अक्टूबर को. IELTS में इनके थे 7 और लेस देन 6. फाइल लॉन्च की थी इन्होंने 28 सितंबर को. कॉन्ग्रेचुलेशंस. चलो नेक्स्ट फाइल देखते हैं. इनके PPR रिसीव हुआ था जिनके अंदर 7 बैंड्स थे. फाइल लॉन्च इन्होंने की थी 25 सितंबर को. मेडिकल था 8 सितंबर को. बायोमेट्रिक थे 7 अक्टूबर को. और VVL और PPR आ गए थे इनके पास 8 दिसंबर को. चलो नेक्स्ट फाइल देखते हैं. इन्होंने अप्लाई किया था सितंबर 28th को. नेक्स्ट दिन इनके पास बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर भी आ गई थी. कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर इनके पास थी दिसंबर 7th को, और सेम दिन इनके पास ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट भी आ गई थी. चलो नेक्स्ट फाइल देखते हैं. इन्होंने अप्लाई किया था सितंबर 27th को. सितंबर 28th को इनके पास बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर भी आ गई थी. इनके पास कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आई दिसंबर 8th को. ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट भी आई थी इनके पास दिसंबर 8th को. और ये भी SDS केस है जिनके अंदर BVL PPR सेम दिन हुई थी. चलो ये वाली फाइल देखते हैं. इन्होंने अप्लाई किया था अक्टूबर 2nd को. अक्टूबर 3rd को बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर आ गई थी इनके पास. तो इनके पास कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर भी दिसंबर 8th को आ गई थी, और ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट भी दिसंबर 8th को ही आ गई थी. चलो नेक्स्ट फाइल देखते हैं. इनको PPR आया था रात के 2:11 पे. 12th पास आउट थे. IELTS में 7 ओवरऑल थे. फाइल लॉन्च की थी 27 सितंबर को. मेडिकल 12 जुलाई को. बायोमेट्रिक्स 12 अक्टूबर को. और PPR 8 दिसंबर को. इस वाली फाइल में आप देख सकते हैं इन्होंने फाइल लॉन्च की थी 24 सितंबर को. बायोमेट्रिक 29 सितंबर को. मेडिकल दिए थे इन्होंने 7 जुलाई को. और PPR इनका आया था 8 दिसंबर को सुबह 2 बजे. और इन्होंने सीरियल नंबर भी अपना दे रखा है. इन्होंने BTEC की हुई है. ये फाइल नॉन SDS है, और इन्होंने अप्लाई किया था जुलाई 29th को. अगले दिन इनके बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर आ गया था जुलाई 30th को. कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर इनके पास आया था दिसंबर 7th को, और ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट इनके पास आ गई थी दिसंबर 8th को. चलो ये वाली फाइल देखते हैं. ये सितंबर 7th को अप्लाई किया था इन्होंने. अगले दिन के पास बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर आ गई थी. कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर इनके पास आई थी दिसंबर 8th को, और ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट भी इनके पास आई थी दिसंबर 8th को. चलो ये वाला केस देखते हैं. रीअप्लाइड केस है. SDS कैटेगरी था. IELTS में इनके 7 थे, और राइटिंग में 6 और स्पीकिंग में 6.5. फाइल लॉन्च इन्होंने की थी 26 सितंबर को. बायोमेट्रिक 21 जून को, और PPR इनके आ गई थी 8 दिसंबर को. ये वाली फाइल भी अक्टूबर की है. इन्होंने अप्लाई किया था 2nd को. 3rd को इनके पास बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर आ गया था. कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर इनके पास आया था दिसंबर 8th को, और ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट भी इनके पास आ गई थी दिसंबर 8th को ही. चलो नेक्स्ट फाइल देखते हैं. ये अगस्त की फाइल है. इन्होंने अप्लाई किया था 8th को. 9th को इनके पास कलेक्शन लेटर आ गया था. उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर इनके पास दिसंबर 8th को आ गया था, और ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट भी इनके पास आ गई थी दिसंबर 8th को ही. चलो नेक्स्ट फाइल देखते हैं. ये भी नॉन SDS की फाइल है, जिसके अंदर PTE इनका 63 आया, और इन्होंने अप्लाई किया था जुलाई 29th को. कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर इनके पास दिसंबर 7th को आया, और ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट भी इनके पास आई दिसंबर 7th को ही. इस वाली फाइल में गाइस इन्होंने अप्लाई किया था 2nd अक्टूबर को. बायोमेट्रिक्स लेटर इनके पास आई थी 5th अक्टूबर को. मेडिकल अपडेट हो गया 30th नवंबर को, और PPR 8 दिसंबर को आ गई थी. उनकी प्रोफाइल थी 96 और 85, और ग्रेजुएशन की थी BCOM में. इस वाली फाइल में देख सकते हो इनका 27 सितंबर इन्होंने अप्लाई किया था. बायोमेट्रिक्स इन्होंने दिए थे 11th अक्टूबर को, सेम दिन ही अपडेट हो गए थे. उसके बाद मेडिकल रिव्यू स्टार्ट हो गया था, अपडेट हो गया था 11:41 को 8 दिसंबर को, और सेम दिन ही PPR भी आ गई थी. ये नेक्स्ट फाइल देखते हैं. इन्होंने फाइल लॉन्च की थी 28 सितंबर को.
बायोमेट्रिक्स 8 अक्टूबर को, और ये एसटीएस कैटेगरी की थी जिसके अंदर 12th ग्रेड में इनके 84 आए थे और 10th ग्रेड में भी 84 ही आए थे। मेडिकल अपडेट हो गया था और सेम दिन ही अपडेट हो गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी बीपीआई बल्क में आई हैं और काफ़ी पॉजिटिविटी का ट्रेंड है। जिस लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए।